हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी हॉर्नबिल से फोर्थ चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं और जिसका नाम है द लैंडस्केप ऑफ द सोल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इस चैप्टर की कंप्लीट समरी के साथ, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस ताकि आपके आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकें। और ये दोनों चीजें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड कराऊंगा ताकि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप देख सकें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी समरी के साथ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। समरी शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से कैरेक्टर्स सामने आएंगे। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास है एक किंग जिनका नाम है जुआन जोंग, और ये एक टैंग डायनेस्टी थी चाइना में, वहां के ये राजा थे। दूसरा हमारे पास वु डाओजी आते हैं जो कि एक पेंटर थे। तीसरा क्विंटन मैक्सवेल एक ब्लैकस्मिथ थे। ब्लैकस्मिथ वो लोग होते हैं जो लोहे की चीजें का काम करते हैं, या फिर इन्हें हम लोहार भी बोलते हैं। फोर्थ आता है हमारे पास पेंटर, और फिफ्थ आता है हमारे पास इसी पेंटर की डॉटर। तो ये तो हुए हमारे इस स्टोरी के पांच कैरेक्टर्स। अब शुरुआत करते हैं हम इसकी मेन समरी की। यहां इस समरी में लैंडस्केप ऑफ द सोल में जो राइटर है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने रखा है चाइनीज आर्ट साथ ही साथ यूरोपियन आर्ट के बारे में, और उन्होंने यहां पर इन दोनों कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट किया है दो स्टोरीज को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चाइनीज कंट्रास्ट को लेकर, या फिर चाइनीज आर्ट की बात करते हैं। यहां पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई है एक चाइनीज पेंटर के बारे में जिनका नाम था वु डाओजी, और ये कहानी है 8th सेंचुरी की। वु डाओजी को अभी जो हमने एम्परर पढ़े थे जुआन जोंग, उन्होंने इंगेज यानी कि अपने लिए काम पर रखा था ताकि वु डाओजी उनके पैलेस की सभी वॉल को पेंट कर सके और पेंटिंग से सजा सके। और जो भी काम ये वु डाओजी कर रहे थे ये इनकी लाइफ का लास्ट पेंटिंग का काम था, क्योंकि अभी वो चीजें जो रीजन है हमारे सामने वो भी हमारे सामने आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ये इनकी लास्ट पेंटिंग थी। जब वु डाओजी कोई काम किया करते थे तो उन्हें एक स्क्रीन के पीछे रखा जाता था ताकि कोई भी उनका काम ना देख सके, लेकिन सिर्फ एम्परर को ही अलाव होता था, यानी कि क्योंकि सब रूल्स एम्परर ने बनाए थे तो एम्परर ही उनका काम देख सकता था। और जो वु डाओजी थे वो अपनी पिक्चर्स में या फिर अपनी जो पोर्ट्रेट बनाया करते थे उसमें किन चीजों पर ज्यादा जोर दिया करते थे, वो अपनी पिक्चर्स में फॉरेस्ट साथ ही साथ माउंटेन्स वॉटरफॉल ह्यूमंस ऑन हिली पाथ और बर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। पूरी क्रिएटिविटी एक ही जगह दिखा दिया करते थे। ये तो थी उनकी पेंटिंग की बात, लेकिन वहीं जहां पर पैलेस था इनका राजा का वहीं एक माउंटेन था, और माउंटेन के जस्ट नीचे एट द फुट ऑफ द माउंटेन जहां पर माउंटेन शुरुआत होता है वहां पर एक गुफा थी, और उस गुफा के बारे में पेंटर को पता था, और पेंटर का मानना था कि वहां पर कोई भूत प्रेत या फिर सुपरनेचुरल पावर्स रहती हैं, क्योंकि जब कभी वो उस केव के पास यानी कि गुफा के पास जाते थे और वो अपने हाथों से तालियां बजाते थे तो दरवाजा खुलने लगता था, और जैसे ही वो अंदर जाते तो अंदर का नजारा कुछ अलग ही आता था। तो एक दिन किंग डिसाइड करता है कि वो भी वु डाओजी के साथ वहां पर जाएगा, लेकिन जब ये दोनों वहां पहुंचे और वु डाओजी ने क्लैप किया, पहले तो केव का दरवाजा खुल गया, लेकिन वो जब एंटर हो गए और उनके बाद जब एम्परर एंटर होने की कोशिश करने लगे तो एकदम से वो दरवाजा बंद हो गया हमेशा हमेशा के लिए, और वहां पर जो भी पेंटिंग बनी हुई थी वो सभी डिसअपीयर यानी कि गायब होने लगी, और उसके बाद वु डाओजी को कभी नहीं देखा गया। तो यहां से हमारा ये आंसर भी क्लियर होता है कि Why it was the last painting of Wu Daozi? ये तो बात हुई हमारी यहां पर Wu Daozi के बारे में। अब आगे चलते हैं, और जो ये स्टोरीज हैं सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में, इन स्टोरीज का जिक्र दो चाइनीज फिलोसफर्स ने बहुत अच्छे से किया है अपनी बुक्स में, और वो चाइनीज फिलोसफर्स हैं कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंग जी। ये दोनों फिलोसफर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, और इन्होंने अपनी किताबों में जिक्र किया है कि सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में, और वो भी कब, एंशियंट चाइना में, यानी कि आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं और मॉडर्न वर्ल्ड से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वो हमारा सारा एंशियंट टाइम होता है। ये हुआ हमारा चाइनीज आर्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम वेस्टर्न आर्ट के बारे में। वेस्टर्न आर्ट में एक फेमस पेंटर थे फ्लैंडर्स के, उनका ये मानना था कि अगर मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूं किसी ड्रैगन की, अगर मैंने उस ड्रैगन की आईज बना दी तो मुझे डर रहेगा कि वो ड्रैगन मुझे बहुत ज्यादा डराएगा और मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी वजह से जो वेस्टर्न पेंटर्स थे वो कभी भी ड्रैगन की आईज को क्लोज करके बनाते थे
ओपन कर कर नहीं बनाते थे। ओपन करके बनाएंगे तो उन्हें ये फील होता था कि वो हमारे सामने ही है और वो बस इस पेंटिंग से निकलकर बाहर हमें आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये तो थी हमारे दो कंपैरिजन। इसके बाद आती है हमारे पास थर्ड स्टोरी, और ये थर्ड स्टोरी है हमारी 15th सेंचुरी की, जिसमें हम बात करेंगे ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार क्विंटन मैटसे की। और क्विंटन मैटसे की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसको थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्विंटन जो हमारे पास सामने ब्लैकस्मिथ थे, वो एक लड़की के प्यार में बहुत अच्छे से पड़ जाते हैं, और वो लड़की किसकी होती है, एक पेंटर की, यानी कि लड़की के जो पिताजी थे वो बहुत अच्छे पेंटर थे। क्विंटन अपने प्यार का इजहार उनके फादर से करते हैं और चाहते हैं कि वो पेंटर उन अपनी बेटी का हाथ क्विंटन के हाथ में दे दें, लेकिन जो फादर होता है वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है उनके प्रोफेशन की वजह से। वो तो थे पेंटर और क्विंटन थे ब्लैकस्मिथ, तो पेंटर का मानना था कि जो प्रोफेशन है ब्लैकस्मिथ वो पेंटर से बहुत ही ज्यादा लो है, इस वजह से ये सब चीजें मना करती। लेकिन क्विंटन ने ये चीज ठान ली कि वो एक दिन स्टूडियो में जाएंगे और एक बहुत अच्छी पेंटिंग या फिर कैनवास तैयार करेंगे और उनके पिताजी को जाकर दिखाएंगे। तो जब क्विंटन स्टूडियो में गए, उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगी, और उस पेंटिंग में उन्होंने बनाई एक फ्लाई, जिस तरीके से मैंने आपके सामने एक रिप्रेजेंट किया हुआ हाउस फ्लाई का उन्होंने एक पोर्ट्रेट तैयार किया, और वो बिल्कुल रियलिस्टिक, जैसे कि आपके सामने एक हाउस फ्लाई उड़ रही हो, इस तरह का रियलिस्टिक व्यू दिया। और क्विंटन ने ये चीज जाकर पेंटर को दिखाई, पेंटर इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने क्विंटन को अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया, और इसी के साथ साथ क्विंटन अपने बिलव्ड यानी कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे उनसे शादी भी की। और इसके बाद क्विंटन ने अपना ब्लैकस्मिथ का प्रोफेशन हमेशा के लिए छोड़ दिया और उन्होंने सिर्फ पेंटिंग करना शुरू कर दिया, और वो अपने टाइम के सबसे फेमस पेंटर बनकर सामने आए। और ये बात है हमारी 15th सेंचुरी की। तो 15th सेंचुरी के अगर हम फेमस पेंटर्स की बात करेंगे तो क्विंटन मैटसे फेल का सबसे ऊपर नाम आता है। ये बात हुई हमारी थर्ड स्टोरी की, इससे आगे चलते हैं। अब ये जो हमने स्टोरीज पढ़ी थी दो कंपैरिजन, चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट के बारे में, उनके बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। द टू स्टोरी शोज व्हाट ईच फॉर्म आर्ट्स ट्राई टू अचीव। यहां इन दोनों स्टोरीज से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों आर्ट ने क्या अचीव करने की कोशिश की। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन आर्ट की। तो यूरोपियन आर्ट ने एक परफेक्टली ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया जो हमारे सामने पिक्चर है वो बिल्कुल हमें वैसी की वैसी ही दिखाई दे। और सबसे ज्यादा इनमें इन्होंने जो उस पिक्चर की इनर लाइफ थी और स्पिरिट हमारे सामने सुपर नेचुरल पावर्स का ही जिक्र होगा, उन पर ज्यादा एम्फेसिस दिया। दूसरी तरफ चाइनीज आर्ट की बात करें तो चाइनीज स्टोरीज में एम्परर जो होते थे वो एडमायर करते थे हमेशा आउटर अपीयरेंस को, लेकिन आर्टिस्ट रिवील करते थे उनका ट्रू मीनिंग अपने काम की वजह से। आपने बहुत सारी हिस्ट्री में भी चीजें पढ़ी होंगी कि जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे वो पेंटर से अपनी पोर्ट्रेट बनवाया करते थे, या फिर अपनी जो लड़ाइयां उन्होंने जीती हैं उन्हें दीवारों पर पोर्ट्रेट कराया करते थे। तो ये सब चीजें पेंटर हमारे सामने रखा करते थे, लेकिन एम्परर सिर्फ एक जगह को रूल कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ जो एक आर्टिस्ट होगा वो हमें उस जगह तक पहुंचने का रास्ता बताएगा कि हम किस तरीके से उस पेंटिंग को समझें और वो पेंटिंग हमसे क्या कहना चाहती है। और इसीलिए हमेशा आर्ट वर्क को एक दूसरे नाम से जाना गया, मिस्टीरियस वर्क ऑफ यूनिवर्स। अब मिस्टीरियस क्यों कहा गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिस्टीरियस वर्क हमेशा इसलिए कहा गया क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एक आर्टिस्ट ने किस कंसेप्ट को लेकर उस पेंटिंग को बनाया। हमारा देखने का नजरिया कुछ और होता है और आर्टिस्ट का नजरिया कुछ और होता है, इसीलिए हमें देखने की जरूरत होती है आर्टिस्ट के नजरिए से, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग को बहुत बखूबी जानते हैं और क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, इसीलिए इन चीजों को हमेशा मिस्टीरियस वर्क कहा गया है। इसके बाद हमारे पास एक और रिलेशन निकल कर आती है। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप अनलाइक वेस्टर्न पेंटिंग डज नॉट प्रेजेंट एनी एक्चुअल व्यू। और चाइनीज जो पेंटिंग होती है वो कभी भी एक्चुअल व्यू हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ द यूरोपियन पेंटर्स वॉन्ट यू टू लुक एट द लैंडस्केप एग्जैक्टली एज इट शो इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंगल। अब वहीं हम दूसरे यूरोपियन पेंटर्स की बात करें तो उनकी पेंटिंग अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप कोई से भी एंगल से देखें वो आपको एज इट इज ही दिखाई देंगी। और चाइनीज लैंडस्केप की एक और खासियत कि वो आपको रियलिस्टिक नहीं लगेगी, इज नॉट रियलिस्टिक, यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उस पिक्चर में कहीं से भी एंटर हो जाएंगे।
यानी कि आपके सामने एक पोर्ट्रेट है, आप अगर उसका बॉटम पार्ट देख रहे हैं या साइड लेफ्ट अप डाउन कोई सा भी पार्ट देख रहे हैं, आप उसे रिलेट कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक के लिए क्या जरूरी होता है कि आपको पहले पूरा पोर्ट्रेट देखना पड़ता है, और वो आपको सिर्फ वेस्टर्न पेंटिंग्स में मिलेगा। वहीं चाइनीज की अगर हम बात करें तो चाइनीज में आप किसी भी पॉइंट से उस आर्ट में एंटर कर सकते हैं और उसका मतलब समझ सकते हैं। ही कैन ओनली क्रिएट अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन इन लेजरली फैशन। और जब अपनी आंखों से आप उस पेंटिंग को देखेंगे किसी भी एंगल से या फिर किसी भी पॉइंट से, तो आपको सिर्फ एक हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा उस चीज को देखकर। दिस मेथड इज इलस्ट्रेटेड बेस्ट इन द केस ऑफ स्क्रोल। और ये चाइनीज का रिप्रेजेंटेशन का मेथड स्क्रोल में बहुत अच्छे से बताया गया है। अब स्क्रोल क्या होता है, किसी ने कोई मैसेज लिखा और उसे फोल्ड करके रख दिया, लेकिन जब उस मैसेज को पढ़ने के लिए खोला जाएगा तो आपके सामने बहुत अच्छे से एक एक वर्ड पहले आएगा, तो आप हर एक चीज को रिलेट करेंगे। इसीलिए यहां पर चाइनीज की लैंड जो पोर्ट्रेट है उन्हें ये चीज दिया गया कि आप किसी भी पॉइंट से उसे देख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं और उसका मतलब समझ सकते हैं। द व्यूअर हैज टू ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग अलॉन्ग विद द पेंटर। द व्यूअर पार्टिसिपेशन इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल। अब ये पॉइंट आप लोगों के लिए जरूरी है और यहां से आपके क्वेश्चंस भी बनकर आते हैं। द व्यूअर हैज टू ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग अलॉन्ग विद द पेंटर। अब व्यूअर को मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमें उस नजरिए से देखने की जरूरत पड़ती है जिस नजरिए से पेंटर ने बनाया है। तो व्यूअर हैज टू ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग अलॉन्ग विद द पेंटर। और द व्यूअर पार्टिसिपेशन इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल। हम जो उस पोर्ट्रेट को देख रहे होते हैं, हमारा जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत फिजिकल भी होता है क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और वो हमारे सामने। मेंटल किस वजह से होता है, क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। हम क्या जानना चाहते हैं उस पिक्चर में, वो हमारे सामने क्या डिपेक्ट कर रही है, कैसे हम उसे समझ सकते हैं, क्या उसका एक्चुअल मीनिंग है। इसीलिए कहा गया द रीजन इज दैट द लैंडस्केप इज एन इनर वन एंड अ स्पिरिचुअल वन। एक लास्ट कंसेप्ट हमारे सामने निकल कर आता है, जो अभी हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा कि स्पिरिचुअल वन की हमने बातें की। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। अब यहां पर इसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सेंसुई नाम दिया गया, जो कि लिटरली मीनिंग है माउंटेन वाटर का, यानी कि जो पहाड़ों पर पानी होता है उसको हम सेंसुई कहते हैं। द टू वर्ड्स टुगेदर रिप्रेजेंट अ लैंडस्केप टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल। और ये जो दोनों वर्ड है माउंटेन और वाटर, ये दोनों एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट्री पोल बनाते हैं। यहां पर वर्टिकल माउंटेन का अलग से नाम दिया गया है जो कि यांग, जो कि एक स्टेबल अपनी जगह पर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ बात की गई है हॉरिजॉन्टल वाटर की, जिसका नाम है यिन, जो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं रहता, कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, लेकिन अर्थ को बहुत मॉइस्ट रखता है और कूल रखने की पूरी कोशिश करता है। यिन की अगर हम बात करें तो यिन को यहां पर मस्कुलिन यानी कि मेल करेक्टर दिया गया है, और यिन को यानी कि जो हमारे पास वाटर है उसे फेमिन करेक्टर दिया गया है, और इसी वजह से हम इसे नोशन ऑफ डायज़म कहते हैं। In between the reception feminine and the active yin, अब यहाँ पर yang और yin के बीच में कुछ एक empty space निकल कर आता है, और वो जो empty space होता है, वहाँ पर हमें universal energy मिलती है, जिसे हम third element के नाम से भी जानते हैं। और वो third element या फिर third space की अगर हम बात करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है yang और yin के interaction के लिए। इसीलिए चाइनीज लैंडस्केप में हमेशा अगर आप कोई पेंटिंग देखेंगे तो आपको एक छोटा सा कहीं ना कहीं पर वाइट स्पेस दिखाई देगा, और वो अनपेंटेड होता है, वहां पर कोई पेंटिंग नहीं होगी, मतलब कि ना तो कोई ब्रश चला होगा ना फिर कोई डिजाइन्स बने होंगे। उसका क्या मतलब होता है कि दिस इज ऑल्सो द फील्ड वेयर मैन प्लेज अ की रोल। यहां पर एक ह्यूमन बींग का बहुत ज्यादा की रोल प्ले सामने आता है हमारे सामने, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का एक मीडियम बन जाता है दो पोल के बीच में, और हमारी आईज उन चीजों को किस तरीके से देखती हैं, वो चीजें भी हमारे लैंडस्केप की आई बन जाती हैं, क्योंकि हमारा डिपिक्शन या फिर हमारी अजम्पशन उस पेंटिंग के बारे में क्या है वो हम ही समझ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट तो हुआ हमारा समरी का कंप्लीट। अगर आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब दूंगा। अब बात करते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए आपको सीधा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखी है, उसका भी आपको लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो प्रोवाइडेड होगी आपके सामने, और आप उसे देखकर अच्छे से समझिए। इसी के साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेरा आप लोगों के सामने व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
आपको नोट्स और प्रॉब्लम दोनों सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने सजेशन जरूर दीजिएगा मुझे, क्योंकि आपके सजेशन का बहुत ज्यादा वेट होता है मुझे। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।